हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आइए शुरू करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे हमारे पास है एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हम इसे सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमें निकाल लेना है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये सॉरी ये पूर्ण का स्क्वायर। तो यहां से देखिए, अब यहां से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। तो अब यहां से क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर होगा, और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पे इंटू वन, इसलिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मिला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वाई है उसमें एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक वैल्यू मिल गया जो कि हमारा कुछ इस, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक। तो y का जो वैल्यू है वो है r साइन थीटा और x का जो वैल्यू है वो है r कॉस थीटा, तो ये r से r कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ये निकल गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहां से आप ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू हमने पुट कर रखा है, x इज इक्वल टू क्या r cos थीटा। तो पहले हम क्या करते हैं, x को dc करते हैं फिर y को dc करते हैं, तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा और इसको हम dc करेंगे, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी लगेगा, अगर हम यहाँ पे r को पहले छोड़ते हैं तो cos थीटा को डीसी करेंगे तो ये देगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा और प्लस, अब कॉस थीटा को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और आर को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी आर, ठीक। अब उसी तरह से हमें क्या करना है वाई वाले को, तो डी वाई इज इक्वल टू हमने यहाँ पे मान रखा है वाई इज इक्वल टू क्या आर साइन थीटा, इसको डीसी करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसमें भी आर को पहले छोड़ेंगे तो साइन थीटा को डीसी करेंगे तो ये मिलेगा हमारा कॉस थीटा और डी थीटा, हाँ, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और डी आर, तो ये हमारा डी एक्स का वैल्यू हुआ, ये डी वाई का वैल्यू हुआ, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं है, ये है एक्स डी एक्स और वाई डी वाई, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए x dx प्लस y dy इज इक्वल टू, तो अब हमें पता है x इज इक्वल टू कितना है r cos थीटा, तो यहां पे लिखेंगे r cos थीटा और dx का वैल्यू हमने यहां पे ऑलरेडी निकाल रखा है तो इसे लिख लेते हैं, तो यहां पे हम लिख लेंगे r माइनस साइन थीटा d थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर, ठीक है। और प्लस क्या है वाई, वाई का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है आर साइन थीटा है और डी वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा
डी थीटा और प्लस कितना साइन थीटा डी आर। अब इसे हमें सॉल्व कर लेने होंगे, ठीक है। तो आर कॉस थीटा से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से देखिए ये आर आर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं माइनस यहां लगा देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आर से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी आर प्लस, अब आर से इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डी थीटा छूट गया है डी थीटा, और जाएगा हमारा प्लस आर से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा और ये डी आर। तो अब देखिए इसे ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही जैसा दिख रहा है ना, ये माइनस है ये प्लस है कट गया, तो इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे है आर कॉस स्क्वायर थीटा डी आर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा डी आर। अब देखते हैं आर डी आर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो आर डी आर कॉमन कर लिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जो इसका वैल्यू होता है वन होता है, तो डी आर इंटू वन इज इक्वल टू आर डी आर। ये किसका वैल्यू निकला है हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे, अब इसके पहले एक और वैल्यू हमको निकालना है, कौन सा, तो x और y dx का, x dy माइनस y dx का। तो देखिए अब हम निकालेंगे अगेन, ठीक है, यहां से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या निकालना है, हमें निकालना है x dy माइनस y dx, तो यहां से लिखेंगे x dy माइनस y dx। अब सभी का वैल्यू हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो x का जो वैल्यू है वो है हमारा r cos थीटा, ठीक है। dy का वैल्यू क्या है हम यहां से कैरी कर लेते हैं, तो जो dy का वैल्यू है हमारा r cos थीटा d थीटा प्लस sin थीटा dr r cos थीटा, तो यहां से लिख लेंगे हमारा क्या है r cos थीटा d थीटा और प्लस क्या है यहां से एक बार फिर से देख लेते हैं sin थीटा dr, तो यहां पे लिख लेंगे साइन थीटा डी आर। अब यहां माइनस है तो माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आर साइन थीटा है, ठीक है। डी एक्स का वैल्यू क्या है ये एक बार देख लेते हैं, तो डी एक्स जो हमारा आया था यहां पे ये आर या हम ऐसे कह लेते तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और कॉस थीटा डी आर, तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और प्लस कॉस थीटा डी आर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो r से इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा प्लस r sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा और ये dr और यहाँ पे माइनस इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा और ये हो जाएगा माइनस r sin थीटा cos थीटा dr, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म कट जाएगा, ये प्लस माइनस इक्वल है, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, अब यहां से बचा हमारा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर sin स्क्वायर, ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर और थीटा जो है वो दोनों में कॉमन है, हम इसे कॉमन कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर डी थीटा कॉमन आ गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है वन, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें आर स्क्वायर डी थीटा, ये किसका वैल्यू था ये था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, है ना। तो अब फाइनली जो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था आप यहां से देख सकते हैं, सिंस जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, यहां पे देखिए एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, हाँ तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस
और क्या था यहां से देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो यहां लिखेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और यहां पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये सब का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इतना का जो वैल्यू है यहाँ पे हमने निकाल रखा है, हमारा कितना आया था आर डी आर, तो यहां से हम रख लेंगे आर डी आर प्लस, चलिए इसका वैल्यू यहाँ हमारे सामने ही है, ऊपर है आर स्क्वायर डी थीटा। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो इसका सबसे पहले हम लोगों ने इसी का वैल्यू निकाला था यहाँ पे, तो ये है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कितना आर स्क्वायर और इज इक्वल टू जीरो। देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और में क्या बचा आर डी आर प्लस ये डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव, ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, ठीक है। अब हालांकि नहीं लिखते हैं इसे, चलिए इसे हटा दीजिएगा। अब यहां से देखते हैं इसका जो आर का जो हमारा डीसी होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और प्लस ये डी थीटा का जो डीसी होगा हमारा, सॉरी डीसी बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन होगा थीटा और इज इक्वल टू ये सी। सी क्या है, तो सी इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट वो है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कुछ टर्म आ गए आर स्क्वायर बाई कितना टू प्लस थीटा। अब आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास और थीटा का भी वैल्यू है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे ये देखते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ से इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो विच इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू रहने देते हैं। थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ है हमारे पास, चलिए यहाँ से देखते हैं, हमने निकाला था थीटा का वैल्यू, यहाँ पे हमें आया था y by x is equal to tan theta, तो which imply theta is equal to हम कह सकते हैं tan inverse y by x, है ना, यानी कि इस वाले वैल्यू से हमने निकाला, तो theta का वैल्यू आ गया tan inverse y by x, तो यहां से हम लिख लेंगे tan inverse y by x और is equal to क्या c, और यही हमारा क्या हो गया required हो गया, ठीक, तो यहां पे लिख लेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें किसी तरह की डाउट नहीं होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आया होगा ये मेरा होप है, विश्वास है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसे जरूर बताया जाएगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प पहुँचा सकता है, और आगे क्या बताना, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़िए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।